अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार गाड़ी भेज दी है मैंने, बस अभी थोड़ी देर में ना वेंडर आ रहा होगा तो उसको गाड़ी पकड़ा दूंगा। मतलब पेऑर्डर वगैरह सब कुछ होगा। तो बाकी वीडियोस वगैरह कुछ टाइम से नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो डकैती हुई थी बैंक के साइड से, मेरे ख़्याल में शायद इनके होते हैं बैठे होते हैं, तो वो हुई थी जिसकी वजह से मेरा बाहर जाना ही बिल्कुल बंद हो गया था। मतलब मैंने ख़ुद बंद कर दिया था, फैमिली साइड से नहीं था। थोड़ा सा मैं कराची के हालात पे यार माशाल्लाह से, इसके अलावा एक दूसरी गाड़ी लेनी थी, वो मेरे किसी रिलेटिव की गाड़ी लेनी थी तो उसी चक्रों में लगा हुआ था, वो लेनी थी। तीसरा मुझे थोड़ी सी एलर्जी टाइप हो गई थी तो उसमें लगा हुआ था। बाकी यार गाड़ी छोटी होती है बड़ी होती है, यादें होती है हर चीज़ के साथ। तो अब इसको भेजना, मैंने पहले बोला भेजो इसको, फिर अब इसको भेजना बुरा लग रहा है। मतलब मैं गाड़ी ले रहा हूँ वो अच्छी होगी इससे, डिग्गी वाली गाड़ी, लेकिन उसका सीन ये है कि अब बताऊंगा नहीं कौन सी गाड़ी, वो आपको लेके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं 2-3 गाड़ियों में कंफ्यूज हूँ। बाकी इसकी रिव्यूज़ देता हूँ, मैंने क्या क्या करवाया क्या नहीं करवाया। यार देखो, सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा आप लोगों को, मैंने करवाई थी ओवरऑल पूरी गाड़ी में ना एम्बियंट लाइटिंग करवाई थी, रेड शो हो रही है आपको, ये सारी करवाई थी। लेदर्स की सीट्स, थोड़ा सा बाहर से दिखाता हूँ, लेदर्स की सीट्स है और ये भरी हुई है ऊपर से मैट्स में नॉर्मल थे। खैर इसको मैं 90 लगवा रहा था लेकिन वो लगवाए नहीं। बाकी अंदर पैरों की लाइट्स है जो अभी अगर ऑन करूँगा तो खैर इतने ख़ास नहीं दिखेंगे, पीछे के तो फिर भी दिख जाएंगे। ये देखो यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है। अच्छा ये वाले रिम्स सबसे महंगे मुझे रिम्स पड़े थे, ये देखो। बाकी ये था, मैंने लाइटें रैप करी थी पीछे के, ये पूरा ब्लैक था, छत रैप करवा दी थी मैंने, नंबर प्लेटें तक चेंज करवा ली थी क्योंकि इसकी अपनी येलो आती है। उसके अलावा ये रियर सामने यहाँ पर LED लगवाई थी मैंने और नीचे भी लगवाई थी जो इसमें लग के नहीं आती। कंप्लीट लुक ये था। मतलब इसको अगर मैं बनाता तो मैं क्या बनाता, गाड़ी छोटी है मतलब मसला ही है, तो उस पर मैं स्पॉइलर वाले शशके नहीं कर सकता था, इसको मैं बिठा नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी लगती है। तो इसकी मैंने सस्पेंशन ना हार्ड रखी हुई थी, इसमें मैंने स्प्रिंट हार्ड लगाए हुए थे जिसकी वजह से लगती नहीं है, और इसमें मैंने स्पेसर लगाए थे लेकिन स्पेसर भी छोटे। खैर जो बंदा विड्स लेता है ना ऐसे ही बनाओ, विड्स ऐसे अच्छी लगती है, विड्स को ओवर नहीं करो क्योंकि इसका शेप ऐसे नहीं है कि बना सकते। बस अभी क्या करना है, वो बंदा बोल रहा है कुछ नहीं उतारो भाई गाड़ी से, ना पुलिस की लाइटें ना पैरों की लाइटें, कुछ भी नहीं उतारो। भाई अपना नाम तो पीछे उतारो, हॉरिक्स लिखा हुआ है मैंने, हारिस नाम है बेसिकली मेरा, लेकिन उसको मैंने हॉरिक्स क्योंकि बहुत सालों से मेरा चलता हुआ आ रहा है यूट्यूब पर। तो भी तो कह रहा है कुछ नहीं उतारो, मेरे बेटे को आपकी गाड़ी बहुत पसंद आई है। मैंने कहा सही है यार, तो बस यार 5000 का डाल। कैश है? कैश है। पानी वानी फुल हो रहा है शेरोज की साइड से बिल्कुल। हाँ शबीर, कैसी गाड़ी दी है? माशाल्लाह बस। क्या करा, अच्छा करा बुरा करा बेच के? नहीं, बुरा क्या बेच दिया है, क्यों कहे जापानी गाड़ी था।
अच्छा तो काम करो ना, तुम फेसबुक पे इतना खर्चा भी करवा दिया है, तो काम करो ना, तुम तुम दो पैसे मुझे, तुम्हें इतनी पसंद है तो आप गाड़ी पसंद कर दो, मैं देगा पैसा, मैं देगा पैसा, हाँ ये देगा पैसा, सही है ये देगा। बाय बाय। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंकल, ये पेमेंट तो सारी रिसीव हो गई है। मम्मी आप इतना खुश क्यों हो रहे मेरी गाड़ी भेजने पे? बस यार गाड़ी अपनी नहीं रही। फिरोज क्या क्या ले लेंगे भाई, इसी भी अच्छी ले लेंगे यार, मेहनत तो करी थी। यार अब जाते हुए ना इसको हम ऐसे ही देखते जाएंगे कि ये ऐसी जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमान से यूं टकरा गई के आ गई लौट के सदा। बंद हो रहे अभी अभी हम लोग हो गए बेरोजगार, हमारे पास कुछ नहीं है करने को। शुक्रिया दिखाओ, शुक्रिया जो बेरोजगार पूरा खर्चा वो दिखाओ वाला चलो काम अच्छे से दे रहे। शुक्रिया गाड़ी तो चली गई, किस्सा खत्म। अब मैं कुछ दिनों तक अगर ब्लॉग बनाऊंगा तो ऐसे ही बनाऊंगा, पैदल घूमता रहूंगा, क्योंकि अब तुम्हारे भाई के पास कुछ नहीं है। खैर गाड़ियाँ तो खड़ी होती है आगे पीछे अब्बा वगैरह की, लेकिन मेरे पास नहीं है, मेरे और मेरे भाई के पास नहीं है। तो अब क्या करें, देखेंगे। मुझे गाड़ी पर्सनली बहुत पसंद थी चंगा नेल्सन, अब देखता हूँ मुझे जो गाड़ी अच्छी लगी वो उठा लूँगा। लेकिन टोयोटा में पॉसिबल है मैं टोयोटा में उठाऊँ, क्योंकि टोयोटा के अलावा मुझे ज़्यादातर गाड़ियाँ पसंद नहीं आती, मैं टोयोटा पे ही जाता हूँ। तो देखते हैं शायद टोयोटा में उठाऊँ। हाँ तो मुझे अभी याद आया कि इस व्लॉग को एंडिंग भी देनी है, तो यार बस गाड़ी भेजने की कुछ वजह होती है, भेज दी है तो खैर उसको छोड़ते हैं। कल हम लोग जाएंगे दूसरी गाड़ी देखने, तो देखते हैं अगर कल कोई गाड़ी समझ आए तो ले लेंगे। बाकी आज का व्लॉग इतना ही है, और भाई को सपोर्ट करो यार ताकि यही रहूं यूट्यूब पे। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।